कसरावत में रविवार सोमवार की दरमियानी रात 3 बजे के करीब अज्ञात बदमाशों के द्वारा कसरावत स्थित इंदौर खरगोन रोड पर SBI के ATM से अज्ञात बदमाशों ने छेड़छाड़ की, साथ ही परिसर में लगे CCTV कैमरों की केबल काट कर उन्हें बंद कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही शाखा प्रबंधक मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी। शाखा प्रबंधक ने बताया कि ATM में राशि जमा करने का काम एक प्राइवेट कंपनी करती है, उनके अधिकारियों से संपर्क किया जाएगा। वही घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। जांच के बाद ये पता चल पाएगा कि नगद राशि ATM में कितनी है। वहीं छेड़छाड़ की घटना को देखते हुए लगता है कि अज्ञात बदमाश घटना को पूरी तरह से अंजाम नहीं दे पाया और ATM से राशि निकाल नहीं पाया होगा। फिर भी वस्तु स्थिति पुलिस जांच के बाद ही पता चल पाएगी। इंदौर रोड पर ATM में तोड़फोड़ की गई है, कैमरे तोड़े गए हैं, ये कब की घटना है सर? ये एक्चुअली मुझे फ़ोन आया था सुबह 3:45 बजे के करीब, आने था कि किसी ने आपके जो ATM है उसमें कुछ कोशिश की है तोड़फोड़ की। फिर मैंने चीज़ संज्ञान में लिया, संज्ञान में लेके अपने एक ऑफिसर को भेजा। हालांकि वो ATM जो है वो हमारे अंडर में नहीं आता है, वो खरगोन के अंडर में आता है, प्राइवेट एजेंसी को दे रखा है। प्राइवेट एजेंसी से डील करती है, कैश भरने का काम वो करती है, कैश निकालने का काम वो करती है, क्योंकि वो हमसे रिलेटेड है, उसके हम संज्ञान में लिया और उसका भी हम जो संबंधित अधिकारी जो उसको देखते हैं उससे बात किए और कहना है कि हमने FIR दर्ज करवाई है। उसमें कुछ निशान मिले हैं, कुछ शाखा के द्वारा कुछ काटने की कोशिश हुई है, हालांकि कैश जैसे निकालने की कोई घटना भी प्रकाश में नहीं आई है, बाकी कार्रवाई उसका सामने आया। मशीन को तोड़फोड़ की है और कैमरे तोड़े हैं। मशीन को तोड़फोड़ क्या है, कैमरे को तोड़फोड़ क्या है, है तो खैर वो शायद कोशिश की गई होगी अटैम्प्ट की रॉबरी के लिए। जब तक आप पुलिस इस चीज़ की तहकीकात नहीं करते गहराई से, तब तक कहना मुश्किल है। कसरावत से अबरार पठान की ये रिपोर्ट।